राजधानी रायपुर में माना स्थित एयरपोर्ट पर एक ट्रैफिक आरक्षक को लावारिस हालत में लाखों की नकदी मिली। ट्रैफिक सिपाही नीलांबर सिन्हा को करीब 45 लाख रुपए लावारिस हालत में मिले। वहीं जब सिपाही नोटों का बंडल लेकर थाने में पहुंचा तभी एक ऑटो चालक नोट का बंडल लेकर भाग निकला। पुलिस ऑटो चालक की तलाश कर रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस के सिपाही नीलांबर सिन्हा की ईमानदारी की लोग खुलकर तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल सिविल लाइन पुलिस नोट के बंडल को लेकर फरार आरोपी ऑटो चालक की तलाश में जुटी हुई है। तो लावारिस पड़े बैग में मिले 45 लाख रुपए, ये देखिए नोटों की गड्डियां। तो ट्रैफिक सिपाही नीलांबर सिन्हा ने थाने में ये रकम जमा करवा दी। तो माना स्थित एयरपोर्ट रोड पर सिपाही को ये पैसे मिले हैं। फिलहाल नोट का एक बंडल लेकर ऑटो चालक जरूर फरार हो गया, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो ये एक्सक्लूसिव हम आपको नोटों की गड्डियां दिखा रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक सिपाही की बहुत ज़्यादा तारीफ यहाँ पर हो रही है। लावारिस पड़ा हुआ था एक बैग और उसमें ये 45 लाख रुपए निकले हैं। तो ट्रैफिक रायपुर के यातायात विभाग में पदस्थ आरक्षक नीलांबर सिन्हा इस वक्त ईमानदारी की मिसाल पेश किए। दरअसल नीलांबर सिन्हा को आज सुबह सुबह ही रायपुर एयरपोर्ट रोड पर 45 लाख रुपए एक स्कूल बैग में लावारिस हालत में मिले थे, जिसके बाद उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। हालांकि पुलिस ने देर शाम इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुद पुलिस आरक्षक नीलांबर सिन्हा, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। एक बहुत बड़ी ईमानदारी की मिसाल पेश की है, 45 लाख रुपए जो लावारिस हालत में मिले थे उसे अधिकारियों को सौंपा, क्या सोचते हैं, कैसा लग रहा है? मैं सर सुबह की तरह, मैं ड्यूटी ज़्यादा था वहाँ, सात से दो ड्यूटी लगता है वहाँ, फिर 9 बजे तक ड्यूटी किया। उसके बाद फिर मैं 9 बजे करीब वहाँ से निकल गया एयरपोर्ट के लिए नाश्ता के लिए माना कैंप गया। तो एक रास्ते में एक व्यक्ति मिला, वो बताया मेरे को बैग में लावारिस बैग है, कुछ है ऐसे करके बताया वो। फिर उसके बाद वो चला गया। उसके बाद मैं फिर खोल के देखा तो उसमें देखा तो पैसा था, पूरा बंडल था सर। फिर मैं वरिष्ठ अधिकारी को फिर फ़ोन करके बताया। मैं अच्छा लग रहा है सर, ऐसे ही हम लोगों का तो काम ही है, जैसे कहीं भी कुछ मिल जाए तो किसी का सामान उसके पास पहुंच जाए, ऐसे हर हमारे तो वरिष्ठ अधिकारी लोग बीच बीच में बताते रहते हैं सर, कुछ भी मिल जाए रास्ते में तो उसको जमा करना है थाने में लाके करके, मार्गदर्शन मिलता रहता है वरिष्ठ अधिकारियों का सर। तो ये थे हमारे साथ ट्रैफिक आरक्षक नीलांबर सिन्हा, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से वो लावारिस हालत में 45 लाख रुपए के बंडल जो है वो उन्हें मिले थे। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में खुलासे के बाद आईपीसी की धारा 102 के तहत मामला दर्ज कर लिया और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में 45 लाख रुपए के बाद क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ट्रैफिक के जवान नीलांबर सिन्हा को एक लावारिस हालत में बैग प्राप्त हुई थी माना में, उसको खोल कर देखने पर उसके रुपए से भरा हुआ बैग था, जिसे लेकर के वो सीधे थाने पहुंचा, वरिष्ठ अधिकारियों को बताया। जिस बैग को खोल करके जब गिना गया तो उसमें 45 लाख रुपए बरामद हुए, जिसको सीआरपीसी 102 के तहत जब तक की कार्रवाई की गई है। कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे तैनात थे? ये नया रायपुर कयाबंधा में तैनात थे, वापस आ रहे थे, तो पीटीएस माना के पास इसको मिला हुआ।